हाय एवरीवन सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिलॉयट के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में ठीक तो है तो डिटेल में डिस्कस करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं क्या क्या चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो और साथ ही साथ में किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान दे रहा है ठीक तो है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले तो बात करते हैं डिलोयड में सबसे पहले देखो दो कोडिंग क्वेश्चन आपके लिए आते हैं अब दो कोडिंग क्वेश्चन में आपका डाउट होगा किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन तो काफी ज्यादा ईजी होगा दूसरा क्वेश्चन भी ईजी ही होता है लेकिन अगर आपको थोड़ी कोडिंग टफ लगती है तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ठीक है वैसे तो दोनों कोडिंग क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं

आपके कैरेक्टर हैं स्पेशल कैरेक्टर हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ठीक है थीके? अब आपको करना क्या है कि इस स्ट्रिंग में जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज आई हैं उन सब को आपस में ऐड करके उनके डिजिट्स को आपस में ऐड करके लास्ट में सम करके उसका आंसर देना है क्वेश्चन समझ में आ गया स्ट्रिंग है न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं कैरेक्टर्स भी हैं सब कुछ है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं सब कुछ है आपको जितनी भी डिजिट्स हैं उसका सम करके आंसर देना है ठीक है कैसे करोगे सिंपल क्वेश्चन लूप लगाया लूप लगा के हर कैरेक्टर को ट्रैक किया जो भी डिजिट है चेक करा के वो डिजिट है कि नहीं इसके लिए पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसके हिसाब से पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन होते हैं चेक करोगे भैया डिजिट है हाँ अगर डिजिट है तो डिजिट को आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके जोड़ते चले गए सम के वेरिएबल पर और लास्ट में आपको सम को आउटपुट दे देना सिंपल सा क्वेश्चन तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन एक स्ट्रिंग में स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है सपोज आई एम गोइंग टू टेम्पल ठीक है इस प्रकार से कुछ एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स हैं। अब उस स्ट्रिंग में जो भी वर्ड हाईएस्ट बार रिपीट हुआ है उसको आपको प्रिंट करना है ठीक है सपोज एक कोई स्ट्रिंग दी गई है बड़ी सी जो स्पेस सेपरेटेड है उसमें सपोज एक वर्ड जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसका आपको आउटपुट देना है तो कैसे करोगे इसको सिंपल सी बात है कि मैप पर डालते जाएंगे हम सारी स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स को सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाएंगे जो भी वर्ड जितनी भी बार आ रहा है और लास्ट में हम देख लेंगे कि मैप में सबसे ज्यादा काउंट किसका है कौन से वर्ड का काउंट सबसे ज्यादा है और उसको हम आउटपुट करके दे देंगे ठीक है तो इसमें जो की होगी की होगी क्या होगी मैप की, की, मैप की, की होगीउंट में आ जाएगी तो नहीं, नहीं पता है लेकिन आगे बताऊंगा पढ़ना क्या था आपको समझ में आ जाएगा। अब यह क्वेश्चन क्यों हैं आपको बताए हैं लेवल बताने के लिए ठीक है ये मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं आपको लेवल बता रहा हूं ठीक है इस लेवल के क्वेश्चन आते दूसरी चीज़ और क्वेश्चन कैसे हैं भैया आस्की टू इंटीजर इंटीजर टू डेसिमल डेसीमल टू बाइनरी इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो अब मैं आपको ऊपर से क्लियरली क्लियरली बताता हूँ थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि क्या क्या टॉपिक्स आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने किन चीज़ों को छोड़ सकते हो और किन चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का जो एक प्रॉपर पोर्शन है जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है कम चांसेस होते हैं कि उसमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है जैसे डेटा स्ट्रक्चर सेंट एलगोरथम्स में क्या आता है भैया ग्राफ आता है ट्री आता है डी आती है तो चांसेस है कि सेकंड क्वेश्चन इससे आ सकता है फर्स्ट तो नहीं आएगा सेकंड क्वेश्चन आ सकता है चांसेस है काफ़ी कम चांसेस है और अगर आता है तो काफी इजी क्वेश्चन होगा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा चांसेस है कि आ जाए क्वेश्चन ऐसा नहीं है चांसेस नहीं है लेकिन थोड़े कम चांस होते हैं ठीक है थीके? तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर आपको नहीं आता डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स तो देखो अभी तो वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है इतनी जल्दी तो सीख नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है अगर आता है तो अच्छी बात है आपके लिए एक एडवांटेज है लेकिन चांस कम है कि इसमें से क्वेश्चंस आ जाए अब पर्टिकुलरली क्वेश्चन किसमें से आते हैं देखो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरे एंड स्ट्रिंग्स एरे एंड स्ट्रिंग्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ ना कुछ एरे में मैन्युप्लेशन होगा या फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन फ्रीक्वेंसी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन या एरे को किसी चीज में कन्वर्ट करना कन्वर्ट करके दोबारा से निकालना तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको घुमा देखने को मिलेंगे तो बेसिकली करना क्या है एरे और strings को काफी बढ़िया से पढ़ना है दूसरी चीज लेकिन अगर आपको वो -छोटे functions नहीं आते, वो आपके दिमाग पे एकदम से क्लिक नहीं करते तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे स्ट्रिंग्स वो लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं उसमें छोटे फंक्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो पर्टिकुलरली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग यूज करने वाले हो स्टार्ट हो जाओ स्ट्रिंग्स के फंक्शन रिवाइज करना ठीक है स्ट्रिंग्स के फंक्शन जितने भी होते हैं जितने भी होते हैं सबको नोट करो सबको लिखो सबके एग्जाम्पल लगाना स्टार्ट कर दो क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है स्ट्रिंग्स से आप एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि आ ही जाएगा ठीक क्यों है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेरॉयड के टेस्ट के लिए ठीक है तो स्ट्रिंग्स हो गया एरे हो गया ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना है और क्या करना है टू टू डी मैट्रिक्स जो होता है या टू डी आर आप उसको बोल सकते हो जब मैट्रिक्स आप बोल सकते हो तो उसको आपको ढंग से कर लेना है कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता कि भैया मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैसे बनता है तो इन चीज़ों को देखना चालू कर दो मैट्रिक्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आते हैं समवम निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं डायगनल प्रिंट करने का आ सकता है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सी एस वालों को तो नहीं लग रहा होगा ज़्यादा डिफिकल्ट लेकिन जो और ब्रांचेस के लोग हैं आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत प्रिपेयर आप कर लेना ठीक है दूसरी चीज़ आपको और क्या प्रिपेयर करनी है जैसे मैंने बताया एयर स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के वो प्रिपेयर कर लेना ये प्रिपेयर कर लेना सेट और मैप सेट और मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जिनको जो सॉल्व तो हो जाएंगे बट अगर आपको सेट और मैप आता है ठीक है सेट और मैप तो आप उन क्वेश्चन को काफी ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो ठीक है आपके लिए आसानी होगी तो जो लोग सी प्लस प्लस वाले हैं वो भैया ये सीख लेना एस टी एल जो जावा वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क एक बार रिवाइज रिवाइज कर लो ठीक है और पाइथन वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके तो इनबिल्ड फंक्शन सटासट यूज हो जाएगा ठीक है लेकिन जो लोग भी सी प्लस प्लस और जावा वाले हैं सेट और मैप वगैरह ये सब चीजें पढ़ लेना वैक्टर वगैरह ढंग से पढ़ लेना और इनबिल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जो स्टैक क्यू हो सकता है इनका यूज यूज करना पड़े तो इस चीज को रिवाइज जरूर कर लेना ठीक है और खासकर सेट और मैप के सारे फंक्शन कैसे इटरेट करते हैं ये सब बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ सकता है इसमें आपको यूज करना पड़े ठीक तो ये बात भी क्लियर हो गई तीसरी चीज क्या है जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते कन्वर्ट करने वाले बाइनरी टू डेसीमल और uh, की वैल्यूज ये सब बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आस का ही का ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें और दूसरी बात इनकी जो इन फंक्शन होते हैं जैसे अभी मैंने बताया डिजिट चेक करने का फंक्शन कैरेक्टर चेक करने का फंक्शन या जो भी इस प्रकार के फंक्शन हैं इन बिल्ड फंक्शन वो जरूर एक बार प्रिपेयर कर लेना ये इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाएंगी अब आप लोग सोच रहे हो भाई प्रिपेयर कैसे करें तो प्रिपेयर करने के लिए जो मैं रिसोर्स दे रहा हूँ वैसे तो आपको जो मर्जी वो प्रिपेयर कर सकते हो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ठीक है तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन जिन पर्टिकुलर रिसोर्सेस को आप फॉलो कर सकते हो उन सब की लिंक अभी मैं थोड़ा रिसर्च करता हूं और आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा ठीक है जिनको आप फॉलो कर सकते हो आपकी मर्जी है बेस्ट तरीका आपको बताऊं सॉल्व करने का तो आप जो इस ड्राइवर की टी सी एस शीट जिसको हर वीडियो में रिकमेंड करता हूं मैं इस प्रकार की कंपनीज़ को सॉल्व करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो ठीक है तो उसमें हंड्रेड क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर दो क्योंकि उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन ऑल अराउंड वो मतलब बेस्ट रिसोर्स है कोई भी कंपनी जो डीएसए के क्वेश्चन नहीं पूछ रही है तो डी से हटा के जो क्वेश्चन बचते हैं सौ क्वेश्चन वो बहुत हैं उनको आप ओपन करके अगर कोड नहीं कर सके तो एटलीस्ट आप एक बार रिवाइज कर सकते हो उसको ठीक है उसकी लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में क्या करना ओपन करना लिंक को उसका सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन पढ़ लेना ठीक है भले हाथ से कोड मत कर लो सॉल्यूशन पढ़ लेना वो जो सौ क्वेश्चन है ना हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो किसी को नहीं पता हो इनको नहीं पता अगर आप उनको पढ़ लोगे अगर आप पढ़ पाए अगर आप में डेडिकेशन है तो सौ क्वेश्चन वो पाँच दिन में करना कोई बड़ी बात नहीं है तीन चार दिन में हो जाएंगे ठीक है अगर आपको सॉल्यूशन में टाइप करके नहीं कह रहा लेकिन आप जब कर लोगे आप ही सिलेक्शन के टाइम पे कहोगे कि थैंक यू भैया बहुत अच्छा रिसोर्स बताया था आपने ठीक है तो वो रिसोर्स बहुत ज्यादा बढ़िया है उसको यूटिलाइज कर लेना ठीक है दूसरी बात कुछ और भी पर्टिकुलर लिंक्स वगैरह हुई अगर रिसोर्स वगैरह हुए अगर मुझे सही लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने इस पर आपको काफी ज्यादा क्रिस्प चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है पर्टिकुलरली बाकी आप कुछ पढ़ना चाहो अपने से तो बिल्कुल पढ़ना मेरी बात में बताना ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया ये नहीं है कि बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस पर आप फोकस ज्यादा कर सकते हो ठीक है तो अपने हिसाब से पूरा सकते हो लेकिन ये चीजों को थोड़ा सा प्रायोरिटी पर रख के पढ़ना ठीक है तो आई होप आपको वी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो